जब तक ये क्रिमिनल नहीं पकड़ेंगे हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चीज़ तो लिख लीजिए आप। वो कानून, वो मुजरिम जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी देख रहे होंगे, उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोग बहुत बड़ी गफलत और गलत फहमी में, क्योंकि हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारा और ना डिपार्टमेंट का छोड़ेंगे। जब तक तुम लोगों को जेल में नहीं डालेंगे या नहीं तो तुम्हारी रूह कब्ज़ नहीं होंगी, जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, एसआर कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट, जनता दल पार्टी गुलबर्गा। मैं और जो मासूम सा लड़का जो मुजम्मिल जिसका खून हुआ था गुलबर्गे में, तो उनके वालिद साहब, उनके मामा और उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस आए हैं ये याददाश्त दिलाने के लिए गुलबर्गा की आवाम को और ख़ास तौर पे कमिश्नर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कि मुजम्मिल के खातिल अभी ज़िंदा है और सब लोग यहाँ पे शर्मिंदा है अभी भी, क्योंकि ज़रूरी था हमारे लिए कि यह गुलबर्गा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मासूम बच्चे का खून किया गया और आज तक मुजरिमों का पता नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को प्रोटेस्ट करे, हम लोग बहुत कुछ करे, करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सीरियस एक्शन हुआ, फिर उसके बाद लीनियंसी में लेकर आज उसको छोड़ दिया। आज भी कोई पता नहीं, कुछ नहीं, देयर इज़ नो प्रॉपर प्रोसेस इसके ऊपर। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कमिश्नर सर को मिलने आए याद दिलाने के लिए कि भाई मुजम्मिल के वालिद है और मुजम्मिल का खून हुआ था और उसके मुजरिम अभी भी लापता है, और गुलबर्गा के आवाम को भी यही चीज़ बताने के लिए हम मीडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मुजम्मिल का मर्डर हुआ था और उसको कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करे। शुरू में हमारी कौम की आदत है, हम शुरू में कोई भी चीज़ होता थोड़ी देर के लिए हम लोग जोश में आते ये करते रहते, तो उसके बाद ऐसा भूल जाते, उसकी फैमिली को भूल जाते, वो केस को भूल जाते, फॉलोअप नहीं करते, भूल जाते और कुछ ये नहीं करते, जिससे कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए गुलबर्गा के आवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि जब कोई भी चीज़ में अगर आप लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं, तो उसको फॉलोअप करके उसको रिजल्ट लेता, उसका पीछा नहीं छोड़ना। ये तो तय है कि अगर ये बच्चे के आज मुजरिम नहीं मिलेंगे तो आज इनका बच्चा है तो कल किसी और का बच्चा होता है, ये आप लिख लीजिए ये मेरी बात को। क्योंकि जितने भी चीज़ें हम मैं प्रेडिक्ट करके बताता हूँ कि आगे ऐसा होगा, वो बराबर होते जाता। क्यों? ये हम लोगों में एक बेफिक्री और बुजदली आई भी है। अगर बेफिक्री बुजदली जिस दिन हटेंगे और जिस दिन हम इत्तेहाद और मुतहद में होकर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो ये कामों को अंजाम दे सकते। मुजम्मिल का खून होना ये इसका ये नहीं कि कोई इसके बारे में मालूम नहीं रखता, किसी ना किसी एक शख्स को इसके बारे में मालूम है और वो इंसान आगे बढ़ के हमारे को क्लू और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर वो इंसान आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को इमीडिएटली हम वैसे क्रिमिनल को हम अरेस्ट कर सकते हैं। लिहाजा कमिश्नर साहब और गुलबर्गा की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुजम्मिल की जो दर्दनाक हत्या हुई उसको भूलो मत और मुजम्मिल को इंसाफ दिलाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि मुसलसल हम 2-4 महीने से हम कंटिन्यू फॉलोअप में हैं, डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें, मैं हमारी टीम और ख़ास तौर पर हमारे गुलबर्गा 24 मोहसिन, हम जो सब लोग मिलकर हम कंटिन्यूसली फॉलोअप में, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी हाथ चीज़ में हाथ डाले और उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो मैं यही इल्तिजा करता हूँ तमाम लोगों से कि भी आप लोग भी फॉलोअप करिए। कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और इन बिटवीन अगर ये कार्रवाई नहीं हुआ और मुजरिम और पकड़े नहीं गए, बेशक ये एक प्रोटेस्ट भी होने वाला है और हो सका तो हम जगत सर्कल पर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। जब तक ये क्रिमिनल नहीं पकड़ेंगे हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चीज़ तो लिख लीजिए आप। वो कानून, वो मुजरिम जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी देख रहे होंगे, उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, तुम लोग बहुत बड़ी गफलत और गलत फहमी में, क्योंकि हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारा और ना डिपार्टमेंट का छोड़ेंगे। जब तक तुम लोगों को जेल में नहीं डालेंगे या नहीं तो तुम्हारी रूह कब्ज़ नहीं होंगी, जब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। कंटिन्यू की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक, 4 महीने हुआ, कुछ भी रिजल्ट ले आए, पुलिस का भी रिस्पॉन्स क्या भी नहीं आ रहा। अब कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं मिलने के वास्ते, कमिश्नर साहब से ये डिमांड है कि बस खातिल को जल्द से जल्द अरेस्ट करें, जल्द से जल्द पकड़ना है, क्योंकि 4 महीने वहाँ, 4 महीने कम टाइम नहीं है, बहुत टाइम है 4 महीने। क्यों अभी तक खातिल का पता क्यों नहीं चला, समझ में नहीं आ रहा है। छोटे बच्चा, इतना मासूम बच्चा है, इसका पता नहीं चला बोले तो कुछ समझ में आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट आखिर कर रही क्या समझ में नहीं आ रहा। अब इतने दिन हुआ पुलिस का रिस्पॉन्स क्या भी नहीं आ रहा, आए तो ऐसा आते हैं कि 2-3 दिन करे सका करते हैं, फिर उसके बाद 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक कुछ भी उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता पुलिस का। आखिर क्यों ऐसा करे पुलिस, समझ में नहीं आ रहा। फिर मासूम बच्चा है, मासूम बच्चे का एहसास है नहीं है पुलिस को, समझ में नहीं आ रहा फिर खातिल का पता क्यों नहीं चल रहा। फिर मेरे बस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द खातिलों को अरेस्ट करें। जो भी हैं, जो और इलेक्शन के जो ये पार्टियां वगैरह हैं, जो भी हैं, खाली तसल्ली दिए अब हमारी मदद करेंगे, कभी भी आप बोलो मदद करेंगे बिल्कुल बोले, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला उनकी तरफ से भी हमारे को। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, एसआर कॉन्टिनेंटल होटल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।